नीमच बगीचे नंबर 5 के रहवासी रास्ते के लिए भटक रहे हैं। इनका कहना है कि हम कई सालों से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ एक सड़क थी जिसे बंद कर दी गई। अब हम नरेश कॉलोनी में बिल्कुल पेक हो चुके हैं और कभी कोई रात में बड़ी इमरजेंसी हुई तो हमें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। न हम पैदल आ सकते हैं, न हमारी गाड़ियाँ ला सकते हैं। जिस खेत में से हम निकला करते थे उस खेत में भी अब फसल हो चुकी है और यहाँ गंदगी भी बहुत है, जिससे यहाँ के निवासी बड़ी परेशानी में जी रहे हैं। और जो रास्ता हुआ करता था वो भी पेक हो चुका है। पहले यहाँ रास्ता था यहाँ पर, तो यहाँ रास्ते से तो निकलते थे। अब बच्चे बच्चे से किसी को जाना वाना है तो बहुत दिक्कत आती है यहाँ पर। और एक रास्ता है वो भी वहाँ कूड़ा उड़ा पड़ा रहता है, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती नगर पालिका से। निकलने का तो रास्ता ही नहीं, बिल्कुल गली है। अगर गाड़ी लेकर आना हो तो आपको बिल्कुल घूमा के आना पड़ती है। रात में रात में रात में कोई रास्ता नहीं है। और एक रास्ता है वो मतलब खेत वाला, तो वो भी खेत वाला कभी जाने देता कभी नहीं आने देता, ऐसा दिक्कत नंबर में। और ये छोटा मोटा सामान कहाँ से लेने जा रहे? छोटी गली गली नहीं है, कौन सा एक रास्ता चाहिए हमारा? कचरे में से जा रहे हैं अभी, जरा सी रास्ता उधर। अब क्या करें? वो बन जाएगा तो क्या करेंगे हम? यही रहेंगे, पेक हो जाएंगे बिल्कुल एकदम। यही पेक होगा तो बहुत परेशानी हो जाएगी। हमें एक रास्ता चाहिए, भले हम नदी किनारे से निकालो, कहीं से भी दो एक रास्ता दो। तो प्लाट निकल जाते थे, अब रास्ता बंद हो गया उधर, प्लाट मकान बन रहा है अभी, तो रास्ता कोई है नहीं। अब रास्ता वो जो है इधर रोड बनानी है तो बिल्कुल जाम हो गया। अभी जाना ना रास्ता समस्या हो गई सबके लिए, समस्या खड़ी हो जाती है, सब पूरी समस्या। यहाँ पर है ही नहीं व्यवस्था कुछ, हमारे यहाँ रास्ता नहीं। काफ़ी टाइम से पहले कंप्लेंट की गई, कोई ध्यान नहीं जाएगा सरकार द्वारा। रास्ता एक बिल्कुल एक ही रास्ता है निकलने के लिए, रास्ता पीछे रास्ता बंद कर दिया गया, प्लाट बन चुके हैं। कोई सुनवाई हो रही नहीं हो रही है, कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। पहले भी कंप्लेंट की गई, रोड भी अधूरा रहेगा यार, रोड भी अधूरा रहा हमारा, नाली भी नहीं बनी गई। नीमच से आसिफ अली की ये रिपोर्ट।